यातायात माह चल रहा है और इस यातायात माह को सफल बनाने में हम सभी नागरिकों का योगदान होना बहुत आवश्यक है। हम सब खुद सुरक्षित चले, समय समय पर गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, समय समय पर लोगों को इस विषय में जानकारी दी जाती है, विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है, लेकिन आवश्यक ये है कि हम सब नागरिक अपने इस काम में यातायात नियमों के पालन करने में पूरा सहयोग दें। मैं ये चाहूंगा कि अपने परिवार की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन सुनिश्चित करें। मेरा ये शुरू से ही मकसद रहा है और एक प्रयास रहा है कि अनावश्यक चालानी या जो समन शुल्क किया जाता है उसको कम से कम किया जाए। ये स्थिति अभी भी बहुत अच्छी सुधरी नहीं है, इसकी अपने सुरक्षा के प्रति अभी भी हाँ है और आप सब प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखते होंगे कि तमाम महत्वपूर्ण जाने, बहुत ही प्रिय जाने लोगों की चली जाती हैं और बहुत तो होता है। कटने की आवश्यकता है वो सर होता है, सर के अंदर चोट लगती है तो उसकी नुकसान बिना पूरा शरीर उठाता है और उसमें कई बार मृत्यु भी हो जाती है। बाकी के अंग तो ठीक हो जाते हैं लेकिन अंदरूनी चोट जो हेड इंजरी होती है इसमें ट्रीटमेंट में काफी दिक्कतें आती हैं और कई बार पर्णती मृत्यु तक होती है। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा सभी सम्मानित नागरिकों से कि हेलमेट का प्रयोग करें और सभी यानी कि दोनों जो आगे चला रहे हैं ड्राइवर और जो पीछे बैठे हुए हैं पिनियन राइडर दोनों हेलमेट का प्रयोग करें, इससे वो लोग सुरक्षित रहेंगे और ईश्वर ना करे अगर कोई एक्सीडेंट की स्थिति बनती भी है किसी अन्य की गलती से तो सब सुरक्षित रहेगा, बाकी छोटी मोटी चोटों का इलाज हो जाएगा। नियम का उल्लंघन करने की चालानी की जाती है उसी प्रकार से पुलिसकर्मी की भी चालानी हो और ये संदेश सभी थाने सभी चौकियों को बताया जाए। टीप करें, इंडिकेटर का प्रयोग करें, टीप गति से वाहन न चलाएं और जहां बच्चे हो, जहां पे बूढ़े हो, जहां बुजुर्ग हो उनको प्राथमिकता दें। गाड़ी चलाते समय यदि कोई स्कूल गाय जा रही हो इस निकलने दें, छोटा बच्चा जा रहा हो गाड़ी अपनी रोके बच्चों को जाने दें, महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं यदि वो गौर कर रहे हो तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपने वाहन रोके उनको सड़क पार होने दें। मैं ये आशा करता हूं कि छोटी छोटी बातों पर अमल करके यातायात नियमों का पालन करके हम सब एक सुरक्षित वातावरण जनपद मणिपुर में कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे यातायात माह में सभी लोग इस प्रकार से सहयोग करेंगे, हेलमेट का प्रयोग करेंगे और यातायात नियमों का पालन लगातार करेंगे। एक चीज और तो रह गई थी बताने के लिए, जो देखा गया है कि या तो कुछ वाहनों पे नंबर है नहीं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए नेम प्लेट पे वो नंबर है नहीं, नंबर प्लेट खाली है, या उस नंबर प्लेट की जगह पे किसी पद का नाम लिखा हुआ है, किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, ये उचित नहीं है। आपने देखा होगा कि एक समय था जब
अधिकारीगण अपनी गाड़ियों के आगे अपने पद का नेम प्लेट लगाते थे। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया और उसके पालन में हम सब जो राजकीय वाहन है, हमारे सारे जो राजकीय वाहन है उनके आगे जो प्लेटें लगी थी नाम की पट्टिका वो हटा दी गई है। ये निर्देश जनता के व्यक्तियों पर भी लागू होता है और मैं ये आशा करता हूँ कि ललितपुर में ऐसे वाहन जिनमें नंबर प्लेट के स्थान पे कोई पद लिखा हुआ है या कोई अन्य बातें लिखी हुई है वो हटा के नंबर प्लेट लगाएंगे और पूरा मौका हमें देंगे कि हम किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई ना करें, लेकिन यदि कोई नियमों का उल्लंघन लगातार कर रहा है और एक धनबल पार्क या जिसको विघ्न समझता है तो उसको दंड भी किया जाएगा नियमानुसार। ललितपुर का एक बहुत अच्छा नाम है, यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे हैं, ये एक उदाहरण है पूरे प्रदेश में कि यहाँ के लोग बहुत ही सरल सीधे सज्जन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यातायात मांग है अधिक से अधिक भागीदारी करके एक अच्छा उदाहरण ललितपुर प्रस्तुत करेगा। आज ही हमें हेलमेट लेना है, कप्तान साहब का भी मैंने ऐलान सुना थोड़ी देर पहले, अभी तक हम लोगों पे गलती हुई, इन गलतियों को सुधार के और जो भी हमारे मिलने वाले उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि हेलमेट लगा के चलें जिससे हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार रहे और कप्तान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः ये गलती नहीं होगी। ललितपुर जनता को यही कहेंगे कि भैया हम तो यहाँ ट्यूशन छोड़ने आते हैं बच्चे को, आज ही तो हेलमेट लेंगे, अभी यहाँ किसी अफसर को दिखाएंगे कि साहब देखो हमने हेलमेट लिए हैं और परडे लगा के जाएंगे और लगा के आएंगे। सबको यही संदेश है कि भैया हेलमेट लगाओ जिससे अपना जीवन सुरक्षित हो। तो कप्तान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कानून को मतलब हम लोगों को समझा के, जुर्माना ना लगा के हम लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप हेलमेट लगाइए, तो हम लोग लगाएंगे, हर हालत में लगाएंगे। सर मैं ग्राम मिर्चवाड़ा का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद नाम है मेरा। सब हेलमेट जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, सब हेलमेट लगा के बाइक चलाना बहुत अनिवार्य है सब। मैं तो हर जन आदमी से यही कहूँगा कि हरदम हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाएं। मेरा जनता से यही कहना कि हरदम हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाएं। जो कप्तान साहब ने अभी निर्देश दिए हैं वो जनता के हित में और हम सब के हित में है, वो इसी के हमें हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं हरदम, यही अनिवार्य है। ये बहुत बढ़िया है, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, दूसरों भी बैठेगा तो वो भी लगाएगा हेलमेट। और लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हेलमेट लगा के वाहन चलाओ।